हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि धोती सलवार कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, कटिंग करने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये सलवार हमारे 6 साल की बच्ची के लिए बनेगा। तो ये 6-7 साल की बच्ची के लिए कि मैंने आप बता रही हूँ आपको। तो ये हमारे बेल्ट की चौड़ाई, हमें बेल्ट फिटिंग 4 इंच तैयार रखना है और बाकी का इधर से हमारे 2 इंच सिलाई के लिए रख लेना है। तो देखिए, हमारे 4 इंच के लिए मैंने टोटल कपड़ा 6 इंच का ले लिया है, 1 इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो देखिए, हमारा 6 इंच का बेल्ट तैयार है, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बेल्ट की चौड़ाई हो रही है, हमें बेल्ट की लंबाई अलग से लेना है। तो ये देखिए, बेल्ट की लंबाई के लिए हमने 15 इंच का कपड़ा ले लिया है। ये 15 इंच में हमारे बेल्ट का कमर आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई 15 इंच है। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुका है, आप देख सकती हैं। अब हमें अपने धोती वाले सलवार का लुक अच्छा देने के लिए हम इस बेल्ट को 4 तह में कर लेंगे और इसके ऐसे कोने पे देख सकती हैं आप, ये थोड़ा सा यहाँ कट कर लेंगे ताकि हमारा पता चलेगा कि यहाँ से हमारा कहाँ से 4 भाग हो गया है। हमें दोनों साइड से छोटा छोटा सा कट लगा लेना है। आप ये देख सकते हैं, कट हो चुका है। आइए अब हम इसके नीचे वाले पैर का बनाते हैं, इससे हमारा पैर बनेगा। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को 2 तह कर लिया है और ये हमारे कपड़े की लंबाई है, चौड़ाई 21 इंच है। हमारी 21 लंबाई और 21 इंच चौड़ाई भी दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारा कपड़ा बिल्कुल ही चौकोर होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप इसकी वीडियो देख पाएंगी। आपको समझ में आ पाएगा कि आप धोती वाला सलवार कैसे बनाएंगी। तो देखिए, मैंने चौकोर कपड़ा कट कर ले लिया है। अब हम इसको समोसे का आकार का फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से हमें इसे, ये देख सकते हैं, बराबर होना चाहिए और इसको हमें यहाँ से ऐसे कट कर देना है। तो ये देखिए, मैंने अपने कपड़े को कटिंग कर लिया है और जो हमारा कपड़ा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे ताकि हमारे दोनों पैर अलग अलग हो जाएं और हमारा सलवार सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसके स्टिचिंग की वीडियो देखेंगी तो ये धोती वाला सलवार पार्ट 1, धोती सलवार पार्ट 2, आप इसके नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग भी देख सकती हैं। तो ये देखिए, हमारा इस आसन बनाने के लिए मैंने इस कपड़ा 7 इंच का माप ले लिया है। यहाँ से हमारा आसन बनेगा, ये हमारा 7 इंच की गहराई है और हमें इधर से 1.5 इंच का माप लेते हुए ऊपर नीचे 1.5 इंच का माप ले लेंगे और यहाँ से ऐसे राउंड शेप देके लाइनिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से राउंड शेप करके जैसे हम गले की कटिंग करते हैं तो गले की तरह इसको गोलाई आकार बना के और फिर हमें यहाँ कटिंग कर लेना है। और हम ये ध्यान देना है कि जिधर से हमें आसन काटना है, मैं उसी साइड से ये 2 इंच की गहराई और काटनी है। ये हमारे धोती वाले सलवार का लुक बनेगा। यहाँ से आप किसी भी साइड से बना सकती हैं। कोना हमारा छोड़ना है जो कि हमारे पैर की मोहड़ी बनेगा और हम जिधर से भी आसन काटेंगे उधर से ही हमारा 2 इंच की गहराई और काट लेना है। तो देखिए, मैं अपने आसन की कटिंग कर रही हूँ। ये हमारे आसन कटिंग हो चुका है, अब हम 2 इंच की गहराई इसको भी काट लेंगे। तो आप ये देख सकती हैं, हमारा आसन कटिंग हो चुका है, इधर से मैंने 2 इंच की गहराई भी काट ली है, कोना हमारा मोहड़ी बन जाएगा। तो आइए देखिए, हमारा बेल्ट है हमारा, ये हम इस तरीके से बेल्ट लगा लेंगे। अब हमारे सलवार, धोती वाले सलवार कटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब आइए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सिलाई करने के लिए देखिए, मैंने इस कपड़े को ऐसे खोल लिया है और हम पहले इन दोनों आसनों को एक साथ पकड़ के एक तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमारे एक तरफ से आसन खुला है और हमारे एक तरफ से मैं इसको सिलाई करके इसको जोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं, हमारा आसन एक तरफ से जुड़ चुका है एकदम कंप्लीटेड। अब हम इसके कोने वाले की भी सिलाई करके ऐसे इस तरीके से सीधा इस पर सिलाई कर लेंगे। इसी से हमारे धोती वाले सलवार का अच्छा लुक देगा। ये हमारी एक तरफ से सिलाई हो चुकी है, हम दूसरे तरफ से भी सिल लेते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों तरफ से कोना सिल चुका है। हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे, आप देख सकते हैं कोना निकल गया है। हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हमारे दोनों पैरों के जो सब बनेगा, ये हमारा दोनों पैर जुड़ चुका है आपस में। अब हमें इसके ऊपर से दोनों हमारी मोहड़ी है, आप ही देख सकती हैं। तो मोहड़ी बनाने के लिए हमें इधर से 7 इंच का माप ले लेना है, आप ही देख सकते हैं दोनों तरफ से 7-7 इंच का। उसके बाद हम इसको देखिए 7 इंच हमें दोनों तरफ से इसी तरीके से दोनों में टिक लगा लेना है। और फिर हम इसको सिलाई करने के लिए ये देखिए ऐसे पतला 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए थोड़ा सा फोल्ड करके फिर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, हमें ऐसे ही फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेना है।
देख सकती हैं आप। हम अब यहाँ से इसे घुमा के दूसरी साइड से भी इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर हमें इस पर भी सिलाई कर लेना है। इधर से भी हमें ध्यान रखें, हम अपने टिक तक ही सिलाई करना है, जो कि हमारा 7 इंच मैंने टिक लगा रखा है। हमें 7 इंच तक ही सिलाई करके फिर यहाँ से ऐसे, ये देखिए हमारे टिक तक आ गया है, अब हम यहाँ से बंद कर लेंगे। हमें इसी तरीके से दोनों पैर के मोड़े की सिलाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं हमारे दोनों पैर के मोड़े की सिलाई हो चुकी है। ये हमारा पैर का मोड़ी बनेगा और ये हमारा खुला वाला भाग रहेगा, इसको हम सिलाई नहीं करना है। तो आइए हम अपने बेल्ट में, ये देखिए 2 इंच का मार्जिन रख के हमें किनारे पे कोई भी प्लेट नहीं देना है और हम 2 इंच छोड़ के इस तरीके से, देखिए हम इलास्टिक लगाने के लिए है, उतना हम खुला छोड़ देंगे। और अब हम बेल्ट लगाएंगे अपने सलवार में प्लेट देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि हमें बेल्ट वाले कपड़े को नीचे कर लेना है और जिस कपड़े से हमें प्लेट देना है तो प्लेट वाला कपड़ा हमें ऊपर कर लेना है और बेल्ट को नीचे रख के, ये आप देख सकती हैं जिधर से हमारा आसन खुला है हमें इसी तरफ से इस बेल्ट को रखना है। और जो हमारा एक कट है उस कट पे आप देख सकती हैं, पहले हमें इसको मशीन में दबा देंगे और थोड़ी सिलाई हमें बिना प्लेट का ही कर लेना है, 1 इंच के आसपास, 1.5 इंच। देखिए 2 इंच का मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ बिना प्लेट दिए सिलाई। इसके बाद हमें प्लेट देना शुरू करना है। तो जब हम पहली बार प्लेट देंगे तो ये प्लेट हमारा हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मशीन की तरफ ही घुमा के देना है ऊपर से। अगर हम मशीन की तरफ देंगे तो हमारा सलवार अच्छा बनेगा। अगर आप इस सलवार के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में नहीं आ पाएगा और आपका सलवार सही नहीं बन पाएगा। तो आप ये देख सकती हैं कि मैंने प्लेट सारा मशीन की तरफ ही घुमा के दे रही हूँ। हमें ऊपर से प्लेट को पकड़ के और मशीन की तरफ फोल्ड कर लेना है। आपका जितना ज़्यादा कपड़ा रहेगा प्लेट उतना ही ज़्यादा आएगा, ये आप देख सकती हैं। देखिए मैंने सारे कपड़ों का प्लेट दे ली, हमारा एक प्लेट यहाँ और बनेगा। और जो मैंने 2 इंच कोने के लिए कपड़ा काटा है इस कोने से, और जो मैंने ब्लेट बेल्ट में जो मैंने 4 टुकड़ा बनाया है कट करके, तो इस एक पार्ट में इस कोने तक सिलाई कर लेना है। देखिए हमारे कट से और इस कोने से मिल गया सिलाई, आप ये देख सकती हैं। हमारे एक भाग में प्लेट दे चुकी हूँ मैं, अब जो हमारे दूसरे भाग में प्लेट देना है, जैसे कि हमारे बेल्ट में 4 टुकड़ा हो गया है, 4 पार्ट्स, तो हमें एक पार्ट्स का प्लेट दे दिया, दूसरे पार्ट्स में हमें अपनी तरफ प्लेट देना है। आप ही देख सकती हैं, पहली बार तो मैंने मशीन की तरफ दिया और दूसरी तरफ हम अपने तरफ से आगे की तरफ प्लेट देंगे। और ये सिलाई वाला कपड़ा हमें यहाँ मिला लेना है कट पे, और उसके बाद हमें बीच में जो कपड़ा बच जाएगा उसको प्लेट दे देना है। और ये प्लेट हमें अपने तरफ ही देना है, ये ध्यान रखना है कि हमें प्लेट दोबारा से उल्टा ना हो जाए। आप ही देख सकती हैं हमारा प्लेट ये भी पूरा हो चुका है। और ये जो हमारी सिलाई है, ये सिलाई हमारा आधा एक पैर की पूरी सलवार की सिलाई हो चुकी है, ये हमारा आधा सलवार सिल गया है। अब जब हमें फिर दूसरा प्लेट देना है तो हमें इसको मशीन की तरफ ही सिलाई करना है। ये देखिए अब हम फिर प्लेट देंगे तो मशीन की तरफ ही घुमा के देंगे, जैसे कि मैं पहले दे चुकी हूँ। हमें इसी तरीके से इसमें भी इस पहले कट तक मशीन की तरफ घुमा के प्लेट देना है। इस कोने तक ऐसे पकड़ लेंगे, बीच में जो कपड़ा बच जाएगा उसको इसी पूरे बीच में प्लेट दे देना है। हमें ध्यान रखना है कि जितना मैंने कट किया है वहाँ से और इस सिलाई तक, हमें सारे कपड़ों का प्लेट इसके बीच में ही देना है, इसे आगे पीछे नहीं करना है, तुम्हारा सलवार बिगड़ जाएगा। अब ये जो हमारा कपड़ा बच गया, हमारा लास्ट बेल्ट का लास्ट पार्ट्स बचा हुआ है, तो हम इस कपड़े में जो प्लेट देंगे तो इसको हम अपने साइड से दे देंगे आगे की तरफ करके। आप ये देख सकती हैं, ये देखिए मेरा प्लेट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा बेल्ट जुड़ चुका है, हमारा प्लेट भी एकदम सीधा हो गया है। आपको प्लेट ध्यान दे के देना है कि पहले वाले प्लेट मशीन की तरफ और दूसरे वाला प्लेट अपनी तरफ करके। ये देखिए हमारा सलवार का लुक कैसा घूम गया है धोती जैसा गोल गोल। अब हम इस आसन को और बेल्ट को सिलाई कर लेते हैं। ये दोनों तरफ से हमारा मुंह बन जाएगा, बेल्ट हमारा गोल हो जाएगा आपस में जुड़ के। तो देखिए सबसे पहले हम बेल्ट की दोनों सिलाई ऐसे मिला लेंगे एक बराबर, प्लेट वाला दोनों तरफ से प्लेट वाला, ताकि हमारा सिलाई एकदम सीधा हो। और फिर हमें इस पर सिलाई करना है,
और इसी के साथ साथ हमें एक तरफ से मैंने आसन पहले ही जोड़ लिया था और अब इसके साथ साथ हमें दूसरे वाला आसन भी बंद कर लेना है। तो देखिए अपने इस आसन पर सिलाई कर लेंगे। देखिए मेरा दोनों आसन जुड़ चुका है। देखिए हमारा सलवार का प्लेट बन गया कंप्लीट। अब आइए हम इसकी मोहड़ी की सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोहड़ी हमारा जितना मैंने 7 इंच में माप किया था, हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे और फिर इसकी सिलाई यहाँ से पकड़ के सिलाई कर देना है ऐसे यहाँ तक। तो आइए हम इसकी सिलाई करते हैं। देखिए हमारे दोनों पैर को ऐसे सिलाई करके बांध लेते हैं। हमें यहाँ 2 बार सिलाई करके थोड़ा स्टिच नोट लगा लेना है ताकि हमारा सिलाई टूटे मजबूती से साथ बंध जाए। अब हम यहाँ सिलाई करके यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ बिल्कुल सीधा ये दोनों सिलाई भी हमें आपस में मिला लेना है ताकि हमारी ये सिलाई टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये आप देख सकती हैं हमें इस कोने को ऐसे पकड़ लेना है और बिल्कुल सीधा सिलाई कर लेना है इस पर। अभी देखिए हमारा सलवार बनकर तैयार हो चला है। हमें यहाँ भी इसको 2 बार सिलाई करके इस मोहड़ी को बांध लेना है ताकि मोहड़ी हमारा थोड़ा सिलाई मजबूत होता है तो हमारा सलवार फटता नहीं है जल्दी, नहीं तो सिलाई टूट जाती है। अभी देखिए हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है। हमें ऊपर से इलास्टिक लगानी है तो इलास्टिक आपका जितना कमर है आप उस हिसाब से अपने कमर का माप ले करके और फिर इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो मैं अपने इलास्टिक को 8 इंच का माप ले कर काट रही हूँ। ये इलास्टिक हमारा डबल है। तो देखिए ये सलवार 6 साल 7 साल की बच्ची के लिए आप बना सकते हैं इस नाप से। अगर आपको और बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो आप उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इलास्टिक को पहले यहाँ बांध लिया है। सिलाई जो मैंने सिलाई की थी बेल्ट वाला उस सिलाई पे इसको मैं 2-3 बार सिलाई करके इस इलास्टिक को यहाँ अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे ताकि हम जब इसको खींच के लगाएं तो हमारा इलास्टिक खुले ना और यहाँ से अच्छे से ज्वाइंट रहे। ये देखिए मैंने 1/2 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ दिया है। अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हमें ऐसे फोल्ड करके और फिर इस पर हमें सिलाई करनी है। आप देख सकती हैं हमें 1/2 इंच कपड़ा इलास्टिक के अंदर इस तरह देखिए ऐसे फोल्ड करके 1/2 इंच और फिर इलास्टिक को घुमा के इलास्टिक ढक लेना है इसी कपड़े से। फिर इसमें हमें सिलाई करनी है। सिलाई करते हुए हम इलास्टिक को खींच लेना है कपड़े के बराबर ताकि हमारा इलास्टिक अच्छे से लग जाए। आप देख सकती हैं कि इसको 1/2 इंच फोल्ड करके फिर हमें इस इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है और इस इलास्टिक खींच के फिर कपड़े के सहित इसको खींच के बढ़ा लेना है तभी हमारा इलास्टिक अच्छे से लग पाएगा। हम इस पर देखिए मैं इलास्टिक लगा दी और मैं इस इलास्टिक पर 2 सिलाई कर दी। हमारा इलास्टिक अच्छे ज्वाइंट हो चुका है। हमारा सलवार भी बन गया है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा सारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।